नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। निवासी डॉक्टर पर जानलेवा हमला। तीसवा तहसील के गुरुकुंज मोजरी के श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर पर शनिवार की रात 12 बजे अज्ञात लोगों ने हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। घायल डॉक्टर का नाम डॉक्टर मनोज सांगले, उम्र 49 बताया गया। गुरुकुंज मोजरी में डॉक्टर मनोज सांगले अनेक वर्षों से निवासी चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत है। रात वह अपने क्वार्टर्स में आराम कर रहे थे। रात 12 बजे अज्ञात हमलावर घर पर पहुंचे और मनोज सांगले पर हथियार से हमला कर भाग गए। घायल अवस्था में उपचार के लिए अमरावती रवाना किया गया। उनका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वही दूसरी ओर सेल्फी के चक्कर में पार्षद पुत्र की मौत। सेल्फी के चक्कर में पंचदरा कुंड में गिरने से पार्षद करुणा राउत के पुत्र आभास राउत उम्र 18 की मौत हो गई। हादसा आज दोपहर 12:30 बजे हुआ। सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय के समीप स्थित आंबेडकर नगर निवासी पार्षद करुणा राउत का बेटा आभास अपने दो चचेरे भाइयों के साथ मोक्षधाम परिसर में बहने वाली वर्धा नदी में स्थित पंचदरा कुंड के पास सेल्फी ले रहा था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से आभास पंचदरा कुंड में गिर गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। आभास के दोनों भाइयों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। सुरेंद्र टेंबुरने ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव बरामद किया। वही तीसरी ओर टीवी एक्ट्रेस ने कास्टिंग डायरेक्टर पर अलग अलग जगहों पर रेप करने का लगाया आरोप। मुंबई पुलिस ने 26 वर्षीय टीवी एक्ट्रेस से शादी का वादा करके उसका रेप करने के आरोप में एक कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक्ट्रेस का आरोप है कि 26 वर्षीय कास्टिंग डायरेक्टर ने शहर में अलग अलग जगहों पर उसका रेप किया। बतौर पुलिस दोनों एक दूसरे से 2 साल से जानते थे और फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।